नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। हम जानेंगे कि बेयर एक्ट क्या होता है, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम जानने वाले हैं बेयर एक्ट के बारे में। बेयर एक्ट उस बुक को कहा जाता है जिसमें केवल संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम होता है। कानून मुख्य रूप से संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। किसी भी कानून को मुख्य रूप से अधिनियम से बनाया जाता है। अधिनियम ही कानून होता है। संसद के दोनों सदनों से पास होकर आने वाले बिल को जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तब वह अधिनियम बन जाता है। जैसे भारतीय संविधान अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, अधिवक्ता अधिनियम 1961 इत्यादि। अधिनियम को आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न धाराओं में बांटा जाता है। एक अधिनियम में अनेक धाराएं होती हैं। केवल धाराएं ही नहीं, बल्कि उपधारा और खंड और अनुसूची भी होती है। इसी तरह अधिनियम को अलग अलग अध्याय में बांटा जाता है, जिससे उसे पढ़ने में सहायता रहे। जब संसद अपना अधिनियम अधिनियमित कर देती है, तब अलग अलग पब्लिकेशन हाउस ऐसे अधिनियम की एक किताब प्रकाशित कर देते हैं। इस किताब को बेयर एक्ट कहा जाता है। ऐसे बेयर एक्ट में केवल संसद द्वारा दिए गए शब्द होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे अधिनियम संसद द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही बेयर एक्ट में प्रस्तुत कर दिया जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा इंटरेस्टिंग जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।